हे गाइस वेलकम बैक टू जीकेपी 360। जैसे कि तुम लोग को मालूम है कि हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स के बारे में स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम लोग मुंबई के बाहर रहते हैं तो किस तरीके से ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए ऑप्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नागपुर से थे, नासिक से थे या औरंगाबाद से, तो मैं उन लोग को ये कहूँगा कि भाई देखो ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, वही सेम नंबर पे आपको कॉल टेक्स्ट करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग को ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत दूर रहते तो अप डाउन करना तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा वहाँ से लेके मुंबई तक। तो हम लोग ने ऑनलाइन लेक्चर्स का भी स्टार्ट कर दिया है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी अगर आप लोग को ऑप्ट करना है, आप लोग को एनरोल करना है, तो 8425936062 पे आप लोग जो है उसको एनरोल अपना करवा सकते हो, उधर एडमिशन अपना एडमिशन फिक्स करवा सकते हो। और तुम लोग ने कम्युनिटी टैब में देखा ही होगा पोस्ट उस लेक्चर्स को लेकर के, तो उधर जो ऑफलाइन के बारे में हम लोग डाला हुआ है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए हो गया है। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कम्युनिटी टैब में जा सकते हो या तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। अब आते हैं इस वीडियो पे। देखो इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तीनों का मैंने एक साथ इंपॉर्टेंस डाल दिया, बिकॉज तीनों चैप्टर ऐसे कि आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादा बड़े नहीं है, दूसरी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं इस चैप्टर का, मतलब कि बड़े बड़े आंसर्स और ज़्यादा वेटेज नहीं इस चैप्टर का। इन चैप्टर्स में से ज़्यादातर आप लोग MCQs पर ध्यान दो, मैं तुम लोग को ये बोल रहा हूँ अभी से भी। भले ही मैंने ये सारी चीज़ें इसमें से लिखी हो, कुछ ना कुछ इसमें से एक चीज़ें आएंगी भी, लेकिन इन चैप्टर्स के MCQ पर ज़्यादा ध्यान दो। MCQ ज़्यादा आते हैं इन तीनों चैप्टर्स में से, खासकर पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों से MCQs तो एक ना एक MCQ आना तो कन्फर्म फिक्स है कि आएगा ही आएगा। एक पॉलीमर से आएगा और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जरूर आएगा। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें, एक तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज विद स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो इधर मैंने दिया हुआ भी है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, जिसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर याद करने में तकलीफ हो रही है तो तुम लोग वही कहूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज तुम लोग अच्छे से याद कर लो। लिपिड्स के बारे में पढ़ लो, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक के बारे में हो सकता है डिस्टिंग्विश आ जाए कुछ दो मार्क के लिए तो उसको वो कर लेना। ऑर्लॉन के बारे में, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर बनाने आता है अच्छे से कर लेना उसको। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्यूना एन के बारे में आ सकता है ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इन इंपॉर्टेंट में से मुझे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो लोग एकदम चाह रहे हैं कि मैं इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ क्या पढ़ो को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, मैं तुम लोग को ये सब चीज़ों के बारे में तुम लोग को एक राय दूंगा अपनी। ड्रेक्स्टॉन है, फिर ट्रैक्यूलाइसिस के बारे में पढ़ सकते हैं और मैकेनिज्म ऑफ सोप, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और याद रखना है तुम लोग को बोल चुका हूँ कि MCQ जो तुम्हारा ज़्यादातर है वो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आने वाले हैं। और एक और चीज़ कि मैंने जो तुम लोग को बोला लेक्चर्स के बारे में कि लेक्चर्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई के बाहर थे तो यार उन लोग के लिए मैंने एक चीज़ डिसाइड की, मैंने मोहसिन से बात की तो मोहसिन ने बोला चले ठीक है एक काम करते हैं लोग ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए भी रख लेते हैं, तो इसको एनरोल कराना है वो 8425936062 पे टेक्स्ट करके एनरोलमेंट अपना करा सकता है ठीक है। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट अगर तुम लोग व्हाट्सएप पर कॉल टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। बोल लाइव सेशन है वो बता, हाँ और कल, हाँ कल संडे को लाइव सेशन रहेगा शाम में 7 बजे ठीक है, तो तुम लोग अवेलेबल रहना, कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग पूछ सकते हो। मतलब बोर्ड्स एग्जाम को लेकर के, JEE को लेकर के या CET को लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे थे, CET को लेकर खास करके बात करनी है क्योंकि वीडियोज उसके बारे में मुझे डालने हैं, तो खास करके उसके लिए बात करते हैं। और CET का क्रैश कोर्स भी आने वाला है, जैसे बोर्ड्स का क्रैश कोर्स आया है वैसे CET का भी क्रैश कोर्स होगा, वो बोर्ड एग्जाम के बाद स्टार्ट होने वाला है, मैं तुम लोग अभी से बोल दे रहा हूँ ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम के बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग का कुछ ऐसा डेट अभी फिक्स हुआ है कि 1 मार्च या तो 5 मार्च दोनों में से कोई एक डेट को जो है वो CET का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में, मतलब कल लाइव लेक्चर में एक तरीके से बात करें, लेक्चर क्या तुम लोग से बातचीत करेंगे थोड़ा, तुम लोग के बारे में जाने कैसी पढ़ाई चल रही, क्या चल रहा है ठीक है। तो यार इंस्टाग्राम पे मुझे तो इधर तुम लोग फॉलो कर लेना, बस इतना छोटा सा काम करने बोल रहा हूँ, 80 को सही मुझे फॉलो कर लेना, और ज्ञान के पिटारे के पेज को फॉलो कर लेना, उधर भी हम लोग मीम्स डाल रहे हैं तो उसको भी देख लेना एक चीज़ को ठीक है। तो बस यार इतना ही कहना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।